इन अजीन आईपीएल की तर्ज पे मनकोट प्राइमरी लीग भी शुरू हो चुका है। ये मैचेस हैं जो हाई सेकेंडरी स्कूल सागरा के अंदर हैं, जो ये मैचेस खेले जा रहे हैं और जिसका आज इफ्तिताह तहसीलदार मनकोट ने किया और जिसका आज पहला मैच खेला गया। शानदार टूर्नामेंट है, इसमें मनकोट, मेंडर, बालाकोट व डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जगहों से प्लेयरों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। टेनिस बाल से ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आज तहसीलदार मनकोट ने किया और इस मौके पर काफ़ी तादाद में यूथ है जो वहाँ पर मौजूद थी और इस मौके पर तहसीलदार मनकोट व सामाजिक कारकुन रियासत चौधरी राजा मोहिन खान ने बात करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट कराने का मकसद यही है कि आज जो नौजवान ड्रग की तरफ जा रहा है उसे किस तरीके से मैदान में लाया जाए, किस तरीके स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, इसके को मद्देनज़र रखते हुए ये टूर्नामेंट है जो वो ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मौके पर इन्होंने मुबारकबाद दी एजाज अहमद शोका को मुबारकबाद दी कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है और काफ़ी तादाद में नौजवान हैं जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए तहसीलदार मनकोट हैं जो वो मैच के बीच आए और उन्होंने सबसे पहले इफ्तिताह किया खिलाड़ियों से है जो वो बातचीत की और रियासत चौधरी जो सामाजिक कार्यक्रम ने सागरा के उन्होंने भी इस मौके पर शिरकत की और राजा मोइन खान सामाजिक कारकुन उन्होंने भी इस मैच में है जो वो शिरकत की और नौजवानों की हौसला अफजाई की। आइए सुनते हैं कि मनकोट प्राइमरी लीग के इस एडिशन के शुरू होने के मौके पर तहसीलदार मनकोट और सामाजिक कारकुन राजा मोइन खान और रियासत चौधरी क्या कहते हैं। ओपनिंग मैच खेला जा रहा है जो गेम चेंजर में मनकोट वर्सेस नरूनी नाइट राइडर के बीच, तो इस मैच के हमारे ओपनिंग में मैच के लिए चीफ गेस्ट हैं हमारे मनकोट ब्लॉक मनकोट के तहसीलदार साहब, साथ में राजा मोइन खान साहब, फैसल साहब, अपने मास्टर साहब मास्टर कलंदर जी और फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से शाबिर सर, आसिफ साहब। तो हम इन सब का खैर मकदम करते हैं। तो आज तहसीलदार साहब से मौका मिला है हमें थोड़ी गुफ्तगू करने का, तो आज वो हमारे साथ आएँ। हम तहसीलदार साहब से पूछेंगे कि मनकोट किस तरह सक्सेस रहेगा और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। देखिए, आज जो ये मनकोट प्रीमियर लीग शुरू किया है उन्होंने, बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि एक साइड पे हमारी जो यूथ है और ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही है और एक साइड पे ये लोग जो हैं ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत खुशी की बात है हमारी पूरी मनकोट तहसील के लिए। तो इस जमन में जैसे इन लोगों ने कहा कि इनको ग्राउंड की ज़रूरत है, हम एक डीसी साहब से भी इंशाल्लाह ताला मैं अपील करूंगा कि डीसी साहब भी इसमें बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लें, जो ग्राउंड बनाने की बात कही उन्होंने, तो ग्राउंड बनाने में हमारा तावन करें। और इसके साथ साथ में हम मैं आपको बताना चाहूँ कि हम उछाद में एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छे लेवल का एक स्टेडियम बने जहाँ पर हमारी यूथ जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। और जहाँ तक MPL की बात है, जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं इसमें, ऐसे मैंने देखा हमारे लमड़दार्स हैं, हमारे सरपंचिस हजरात हैं और बहुत सारे हमारे PRIs बाकी भी हैं, तो मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज के टाइम पे आप यंग जनरेशन को इतना मोटिवेट कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि यंग जनरेशन जो है बाकी दूसरे रास्तों को छोड़ के एक अच्छे रास्ते की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है, एक स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं लोगों से भी अपील करूँगा, यहाँ के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, ताकि हमारी तहसील का नाम रोशन हो, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम रोशन हो और नेशनल लेवल पर जाके हमारे बच्चे खेलें, हमारे लिए फख्र की बात है। तो जैसा कि आज यहाँ पे मनकोट प्रीमियर लीग का आगाज़ किया गया, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब और जितनी भी टीम है हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम, जैसे इरफान भाई हो गए, पंकज शर्मा भाई हो गए और जितने भी हमारे सरपंच पंच हो गए, जिन्होंने ये मिल के ये आज यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज मैच ऑर्गेनाइज करवाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यूथ को कि यूथ जो हमारी आज गलत रास्ते पर जा रही है, तो मैं तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एक यूथ एक ही हिसाब से बच सकती है कि अच्छे अच्छे हमारे यूथ को ग्राउंड मिले, अच्छे अच्छे हमारे यूथ को खेलने की चीज़ें मिले, जिसमें अच्छे अच्छे उनको बैट्स वगैरह जो खेलने की वाली चीज़ें हैं ये मिले,
क्योंकि आज एक ऐसा सिस्टम चल गया कि हमारी यूथ जो है वो गलत रास्ते पे बहुत ज़्यादा जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा ये प्रीमियर लीगेज यहाँ पे खोला गया, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में खोले जाएं, जितनी भी हमारी बैकवर्ड एरिया की जहाँ पे कोई भी सहूलियात नहीं है वहाँ पे ये चीज़ आगाह की जाए और हमारे ब्लॉक में हर जगह ये ऐसा प्रोग्राम चलते रहे और आने वाली जो हमारी नस्ल है उसको ये हिदायत दी जाए कि हम ये चीज़ें खोल रहे हैं और इस चीज़ में ज़्यादा आके अप्रिशिएट करें। तो ख़ासकर जैसे तहसीलदार साहब ने कहा कि छाद में हम ग्राउंड दिया, हम उसका भी वेलकम करते हैं, तहसीलदार साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो ऐसा यहाँ ये वाला ग्राउंड है, इसमें भी थोड़ा सा हमें इस पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा इसमें जो इसकी कोई चीज़ बाकी रह रही है ग्राउंड की वो पूरी की जाए। तो मैं तहसीलदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।